this portion particularly becomes important. Why? Because अभी तुम देख लो सारी जगह पे स्पेस एक्सप्लोरेशन चल रहा है, बी एट नासा, बी एट जैक्सा, बी एट इसरो, एवरीबडी इज़ इनटू स्पेस एक्सप्लोरेशन दीज डेज. सो दैट इज़ व्हाई दिस पोर्शन बिकम्स अ लिटिल मोर इम्पॉर्टेंट इन कंटेक्स्ट ऑफ एसएनटी प्लस इन कंटेक्स्ट ऑफ ज्योग्राफी एज वेल. और अभी तुम अगर रिसेंटली देखो तो ब्लैक होल्स वगैरह के बारे में भी देर हैज़ बिन इन द न्यूज़, इट हैज़ बिन इन द न्यूज़ अ लॉट. सो दैट इज़ व्हाई इट बिकम्स अ लिटिल इम्पॉर्टेंट. फोन साइड में रख दो. चलो, सो एनीथिंग बी इट यू नो द स्टेलर एवोल्यूशन और बी इट द एवोल्यूशन ऑफ द और द फॉर्मेशन ऑफ द सोलर सिस्टम और वट एवर, इट स्टार्ट्स विद वन थिंग एंड दैट इज द नेबुला. अरे पहले समझ लेना, ठीक है, लिखने का पूरा समय दिया जाएगा, कोई बात नहीं, ठीक है, नहीं बताऊंगी मैं. तो नेबुला, वॉट इज अ नेबुला? इट इज अ हॉट cloud of gases and dust, ठीक है, and elements. हाँ मतलब dust ये नहीं कि जो सड़क पर पड़ा है वैसा मिट्टी, मतलब we are talking about the universe, we are talking about things on a larger scale. So when I say dust, I mean large chunks of materials of the universe, right? So anything, any evolution that starts, it starts with nebula, ठीक है. Gravitational force पता है सबको? अरे नहीं पता है तो मैं जेन्युइनली पूछ रहा हूँ, बोलो. मतलब जी एम एम बाय आर स्क्वायर पता है? मालूम है? पक्का? चलो फिर ठीक है. सो नाउ एवरीथिंग, सो मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स ऑन ऑल बॉडीज, हमारे पे भी एक्ट करती है, बट इट डजेंट अफेक्ट बिकॉज हमारे मासेस स्मॉल है ना. चलो ठीक है, तो नेबुला पे दिस ग्रेविटेशनल फोर्स स्टार्ट्स एक्टिंग, राइट? सो व्हाट विल हैपन, इट विल बिकम स्मॉलर इन size, obviously, because things will start attracting each other, so it will become smaller and smaller in size. Now what will happen when things are cluttered up in a smaller region, there is going to be friction, right? These things are going to come closer, so what will happen, it will produce heat. So on this, gravity will act and it will start producing a little bit of heat, and this stage is known as a protostar. It is not a true star, but you will be able to see it because thodi bahut jo heat hai wo produce ho rahi hogi, right? But it is not a true star. Why? What is the source of energy of any star? Bolo. Nuclear fusion reactions. Pata hai fusion kya hota hai, fission kya hoti hai, pata hai? Hydrogen plus hydrogen helium. Haan, bilkul. Itna bahut hai bas, issa PhD thodi karni hai. ठीक है, तो अभी इट हैज नॉट, सो टू स्टार्ट फ्यूजन ऑल्सो यू नीड एनर्जी बिकॉज गेटिंग टू एलिमेंट्स क्लोज टूगेदर एंड मेकिंग देम कंबाइन इज अ टास्क विच नीड्स अ लॉट ऑफ एनर्जी. तो अभी तक इसमें न्यूक्लियर फ्यूजन स्टार्ट नहीं हुई है, राइट? बट देन विद ग्रेविटी इट विल बिकम स्मॉलर एंड स्मॉलर एंड न्यूक्लियर फ्यूजन विल स्टार्ट, ठीक है, एंड देन इट बिकम्स अ मेन सीक्वेंस स्टार. Wherein the nuclear fusion will begin. Now, if you ever burst a cracker, तो क्या होता है, जब जैसे ही cracker फूटता है तो there is a explosion and the energy is outwards from the cracker, right? So at this stage, gravity है जो सब कुछ close लाने की कोशिश कर रही है, and explosion जब होएगी nuclear fusion की वजह से जो explosions होंगी वो सब कुछ बाहर की तरफ push करेंगी. So in the main sequence star, gravity will be equal to outward push of explosion. So both the forces will balance each other and you will have a star which is in the same size. मतलब ये मोटा नहीं होगा, पतला नहीं होएगा, वैसा ही रहेगा, ठीक है? Okay. यहां तक every star is the same. All right. इसके बाद we'll divide the stars. So you have three types of stars: low mass stars, medium mass stars and high mass stars. Low mass stars are those stars which are smaller than the sun. Medium mass are those which are almost equivalent to the sun. And high mass are the ones which are bigger than sun. क्योंकि हमें एक ही स्टार पता है, that is sun, तो हम उसके comparison में सारे stars को divide करते हैं, low, medium and high. ठीक है? अरे बना लेना यार, बाद में भी देख लो, कोई नहीं, ठीक है?
अब मेन सीक्वेंस स्टार पे क्या होता है कि फ्यूजन, अब फ्यूजन कब तक चलेगा, जब तक फ्यूजन का फ्यूल रहेगा, तो इट्स हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन, हीलियम, हीलियम प्लस हीलियम, जो भी आगे बनता रहेगा, एंड इट गोज ऑन अप टू आयरन. उसके बाद दो आयरन को जोड़ के नेक्स्ट बनाना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है. सो टिल ऑल द न्यूक्लियर फ्यूल इज कन्वर्टेड इनटू आयरन, तब तक न्यूक्लियर फ्यूजन चलता रहेगा. द मोमेंट दैट एंड्स, व्हाट विल हैपन, दिस आउटवर्ड पुश ऑफ एक्सप्लोजन विल गो अवे, ओनली द इनवर्ड पुल विल रिमेन, एंड यू विल हैव अ स्मॉल स्टार दैट इज लेफ्ट बिहाइंड विच इज नोन एज अ न्यूट्रॉन स्टार. इसमें कोई न्यूक्लियर फ्यूजन नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, इट इज अ वेरी स्मॉल बॉडी विच हैज अ वेरी हाई डेंसिटी. वाई, वॉट इज द फॉर्मूला फॉर डेंसिटी? मास अपॉन वॉल्यूम. अभी कोई चीज श्रिंक करते जा रही है तो उसका वॉल्यूम कम होते जा रहा है, अगर वॉल्यूम कम होते जाएगा तो डेंसिटी, मास कैसे इंक्रीज होगा, मास तो उतना ही है, डेंसिटी विल इंक्रीज. डिनोमिनेटर अगर कम होते जाए, मास कैसे चेंज होगा? हाँ, तो सो इफ वी इज डिक्रीजिंग, डेंसिटी विल इंक्रीज, मास विल नॉट बी अफेक्टेड, मास विल नॉट बी अफेक्टेड. हाँ, एग्जैक्टली, सो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, मास वोंट बी अफेक्टेड, डेंसिटी विल इंक्रीज, राइट. सो डेंसिटी कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, सो द न्यूट्रॉन स्टार हैज अ वेरी हाई डेंसिटी. ऑलराइट, इसके बाद दो तरह के स्टार्स हैं यहाँ पे, मीडियम एंड हाई मास स्टार्स. दे गो टू अनदर स्टेज आफ्टर मेन सीक्वेंस स्टेज विच इज नोन एज अ रेड जायंट स्टेज. सो अभी रिसेंटली दिस वॉज ऑल्सो इन द न्यूज बिकॉज कोई एक स्टार था जो इनको रिसेंटली रेड जायंट स्टेज में देखा था. स्टार वॉज नॉट इवन गिवन अ नेम, कुछ नंबर था उसका, वो याद करने की जरूरत नहीं, बट यू शुड नो वॉट द रेड जायंट स्टेज इज. नाउ दीज आर लो मास स्टार्स, राइट. तो ये एक साथ ही इनमें, पूरे स्टार में एक साथ रिएक्शन शुरू हो जाता है न्यूक्लियर फ्यूजन का. बट व्हेन इट इज अ बिगर स्टार, व्हाट हैपेंस इज दैट फ्यूजन इनिशियली स्टार्ट्स एट द कोर रीजन, राइट. वेयर एज बाद में जब कोर में फ्यूल खत्म हो जाता है, देन इट स्टार्ट्स ऑन द आउटर रीजन. तो क्या होता है, द आउटर रीजन बिगिन्स टू ब्लोट अप बिकॉज ऑफ द एक्सप्लोजन. सो इट इज एक्चुअली बिगर देन द मेन सीक्वेंस स्टार, राइट. देन आफ्टर दिस इज डन, व्हाट हैपेंस इज, after this is done, again the fuel gets over and again it will begin to shrink and it will form something known as the white dwarf. ठीक है, white dwarf और neutron star में कोई फर्क नहीं है, only difference is white dwarf will have a higher density as compared to the neutron star. ठीक है, because the mass of the white dwarf will be higher than the mass of the neutron star. All right, और इनमें कोई फर्क नहीं है. सो दिस इज फॉर मीडियम मास स्टार्स. अब यहां से हाई मास स्टार्स की थोड़ी स्टोरी अलग है. क्यों? उसमें क्या होता है, दैट आउटर रिंग में इतना ज्यादा फ्यूल होता है दैट कोर तो बिगिंस टू कॉन्ट्रैक्ट, राइट. बट द आउटर कोर हैज, आउटर रीजन हैज सो मच ऑफ फ्यूल दैट इट एक्सप्लोड्स. सो द आउटर रिम एक्सप्लोड्स, right. So outer rim explodes and this explosion is known as the supernova explosion. All right. तो जो core ऊपर ring खत्म हो गया, जो बीच में core बचता है, what is left behind, depending on the density there can be two things. Oh sorry, this is supposed to be the white dwarf and this is supposed to be neutron star. तो जो बचता है दैट इज ईदर, डिपेंडिंग ऑन द डेंसिटी, दैट इज ईदर द न्यूट्रॉन स्टार और अ ब्लैक होल. ठीक है, हाँ भाई, क्या होता है ब्लैक होल, अब जल्दी बताओ, भी पढ़ा होगा तुमने, इतना न्यूज में था ब्लैक होल. It matters. So because what happens is, because the bigger the size, larger is the amount of fuel, right? Larger the amount of fuel, more is the energy produced. So if it's a medium mass star, the outer core will not explode because itni energy nahi hoti hai ki supernova explosion ho. Whereas if it's a high mass star, to itni energy ho jati hai last tak aate aate that the star's outer rim explodes and the only the inner core is left behind. And based on the mass of the inner core, you either have a neutron star left behind or a black hole left behind. Okay. Red sun stage outer wala, that fuel goes up,
हाँ एंड ओनली द कोर पोर्शन इज रिमेन्ड. सो कोर पोर्शन डिपेंडिंग ऑन द डेंसिटी इज ईदर द न्यूट्रॉन स्टार और द ब्लैक होल. अभी जल्दी बताओ, ब्लैक होल बहुत था न्यूज में, जल्दी से बोलो क्या होता है ब्लैक होल. अरे बोलो भाई, साइंस पढ़ी होगी दसवीं तक. उसको एस्केप करने के लाइट से भी ज्यादा स्पीड की जरूरत है, इवन लाइट कांट एस्केप दिस. अच्छा फिर वेरी हाई डेंसिटी कोर. यार कम बैक टू द बेसिक, देखो नथिंग कैन एस्केप अ ब्लैक होल, राइट? दैट मींस इट हैज वेरी हाई ग्रेविटी, करेक्ट? सो हाई ग्रेविटी के लिए व्हाट इज इंपॉर्टेंट, दैट इट हैज अ वेरी हाई मास. सो इट हैज अ वेरी हाई मास एंड वेरी हाई ग्रेविटी एंड नथिंग कैन escape the gravitational pull of a black hole, not even light. And अगर light escape नहीं करेगी, reflect नहीं करेगी, तो you will not be able to see anything. तुम्हें कोई भी चीज़ अभी brown क्यों दिख रहा है? Because brown light इससे reflect हो रही है, right? ये blue क्यों है? Because blue light reflect हो रही है. Anything which reflects all colors is white, and anything which absorbs all colors is black. Right, so this will absorb all the light. Even light will not be able to escape the gravity of the black hole. That is why you will not be able to see it. तो अब अगर दिखेगा नहीं तो तुमको कैसे पता वहाँ पे है? अगर कोई चीज़ दिख नहीं रही है, how can you say that it exists? Because you see the light bending around it. So you see things like bending of light around it. और वॉट साइंटिस्ट लुक फॉर जनरली इज कि अगर कोई ऐसा रीजन है स्पेस में जहाँ पे एवरीथिंग जस्ट एस्केप्स इनटू नथिंगनेस, मतलब जो भी आसपास जा रहा है इट सडनली एस्केप्स इनटू नथिंगनेस, देर आर चांसेस दैट देर कैन बी अ ब्लैक होल देर. ओके, सो दिस इज वॉट इट इज एंड इट हैज अ, सो फीचर्स आर इट हैज हाई मास हाई ग्रेविटी. मतलब इन सर्टन बुक्स यू विल फाइंड इन्फिनाइट मास इन्फिनाइट ग्रेविटी, बट ऑब्वियसली दैट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट, इन्फिनिटी कुछ नहीं होता है. सो हाई मास हाई ग्रेविटी. From the red line, go to the neutron star. If your outer core doesn't explode, yes. But it is there. Yes, it is there. Yes. So it is. It will get smaller, no? Because explosion khatam ho gayi, to core is gone. The outer core is also there, no? Core is any is gone, yeah. Yeah. So only thing left behind is gravity. So it's gonna make it a little smaller in size. Ultimately, even that should become black hole. So no, that will depend on the mass. Black hole ke liye you need to have a very high mass. So medium mass stars will not have a high mass. Mass thodi change ho raha hai, volume change ho raha hai. I mean that medium mass star remains a neutron star. Yes. Yes. See, because ultimately density badhta jayega, but density is not related to the formula of gravity. Formula of gravity mein mass aur radius hai. So those are all different hypotheses, but yes, this is presently the most accepted one, right? So aise to you have hypothesis for the modern nebular hypothesis also, there is something to counter for the nebular hypothesis, there is something to counter for the big bang also, people have something to counter, but yes, these are the most accepted things. Dekho ye cheeze kisi ne dekhi nahi hai. How we know about this is that we observe stars in different stages and then we come up with this. Right, but yes, nobody is absolutely sure because this is still a lot of mysteries involved in this. Kyun hota hai, kaise hota hai, but yes, this is what is most accepted as of now. In the core, it's mostly iron or some other lighter materials. Same, it's the same. It'll only, fusion will only go on till iron. आयरन के बाद फ्यूजन नहीं होता है, बिकॉज दो आयरन को एक साथ जोड़ना बहुत मुश्किल है. बोथ विल बी द सेम, एवरीथिंग इज द सेम, द ओनली डिफरेंस इज इन देयर डेंसिटी. न्यूट्रॉन स्टार विल हैव अ हायर डेंसिटी एंड वाइट ड्वार्फ विल हैव अ कंपैरेटिवली लेसर डेंसिटी. और बताओ. सो सम थ्योरीज ऑल्सो से कि जो सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है उसके बाद जो मटीरियल बचता है उससे फिर से नेबुला बनता है, न्यू स्टार्स आर फॉर्म. सो देर आर मल्टीपल थ्योरीज टू इट, बट यस ब्लैक होल के बारे में. और बताओ ब्लैक होल के बारे में कुछ पूछना है तो यू टेल मी विच वन विल हैव अ हायर डेंसिटी. डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, विच वन विल हैव अ हायर मास?
न्यूट्रॉन स्टार. सो विच वन विल हैव अ हायर डेंसिटी? द न्यूट्रॉन स्टार. ओके, सो इट्स वेरी लॉजिकल. बस दो तीन जनरल जनरल फॉर्मूले याद कर लो, पढ़े होंगे तुमने स्कूल में. दिस इज नॉट अ न्यू कॉन्सेप्ट, लेट मी टेल यू. रिलेटिवली भी यार ये 1900 कुछ में आ गया था. इट्स अ वेरी ओल्ड कॉन्सेप्ट. टारबक लिखी थी कुछ 1920s में, तब से ही है इसमें. सो इट्स नॉट अ न्यू कॉन्सेप्ट. सो दैट इज वॉट आई एम सेइंग, इट्स नॉट अ परफेक्ट थ्योरी, बट येस दिस इज द मोस्ट एक्सेप्टेड वन, राइट? सो ब्लैक होल्स जैसे कैन बी फॉर्म बाय अदर थिंग्स ऑल्सो. जैसे अगर स्टार नहीं बनता है बट इफ हाई मास मटीरियल कम्स टुगेदर उससे भी बन जाएगा. दैट इज व्हाट दे आर सेइंग, राइट? चलो ब्लैक होल से, ब्लैक होल से रिलेटेड एक और चीज है विच इज अगेन इन द न्यूज. आई एम श्योर सर ने करा दिया होगा साइंस एंड टेक में. कर लिया है? नहीं करा? ग्रेविटेशनल वेव्स. इफ यू टेक अ मैग्नेट, तो जरूरी नहीं है कि तुम्हें आयरन बिल्कुल मैग्नेट के पास लाना पड़े तो ही चिपकेगा. थोड़ा डिस्टेंस से भी चिपकता है. दैट इज नोन एज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द मैग्नेट. सिमिलरली जहां पे ग्रेविटी एग्जिस्ट करती है तो वो भी एक एनवेलप में एग्जिस्ट करती है. दैट इज नोन एज द ग्रेविटेशनल फील्ड. नाउ वेन एवर टू हाई मास ऑब्जेक्ट समथिंग लाइक अ ब्लैक होल दे कम क्लोज टू ईच अदर, देयर ग्रेविटेशनल फील्ड्स दे बिगिन टू इंटरैक्ट विद ईच अदर, राइट? एंड बिकॉज ऑफ दैट सर्टन वेव्स आर जनरेटेड विच आर नोन एज द ग्रेविटेशनल वेव्स, राइट? सो दिस इज द मोस्ट लेमैन वे ऑफ एक्सप्लेनिंग दिस. ठीक है, आई कैन नॉट ब्रेक इट डाउन टू एनीथिंग मोर सिंपल, राइट? सो वेन एवर ग्रेविटेशनल फील्ड्स ऑफ टू बिगर मासेस दे इंटरैक्ट विद ईच अदर, यू विल हैव द फॉर्मेशन, देयर वी विल ऑब्जर्व द ग्रेविटेशनल वेव्स. ओके, अब ग्रेविटेशनल वेव्स से होता क्या क्या है? सो इफ देयर इज सर्टन प्लेस जहाँ पे ग्रेविटेशनल वेव्स एग्जिस्ट करती है तो वहाँ पे कुछ भी अगर चीज रहेगी, राइट, यू नो, बी इट any object, so what will happen, that object's shape gets distorted. So if it's a sphere, it's going to either become like this or like this, right? So scientists observe for such things to happen. कहीं ऐसी जगह है जहाँ पे shape of the object which is passing through it gets distorted, that is known as the region where you observe gravitational waves. So to observe gravitational waves we have something known as LIGOs. What is the full form of LIGOs? Laser Interferometer Gravitational Waves Observatories. India में कहाँ बन रहे हैं? Hingoli district of Maharashtra, right? So यहाँ पे भी setup होएगी, अभी हुई नहीं है, ठीक है? So just remember this much. चित्र बनाना है तो बना लो.